हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। मैं हूं प्रभजोत कौर और जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर हेमंत सिक्का, हु इज द प्रेसिडेंट एंड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर्स फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। वेल, वी बी टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हम फार्मिंग और ट्रैक्टर बिजनेस में देखने वाले हैं, और जानेंगे हेमंत सिक्का से कि कोविड के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और आगे के प्लान्स महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के क्या है। So I first of all welcome Mr. Hemant Sikka on Jagran Hightech. Thank you, Prabhjot. Thank you for having me. So, सबसे पहले तो I would like to congratulate you for best tractor performances during for the year of 2021. Congratulations, Mr. Sikka. Thank you so much. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हो गया था तो आपने कौन सी प्रोडक्शन इश्यूज या फिर शॉर्टेज ऑफ मैनपावर या मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस किया? प्रभजोत, मुझे इसके लिए आपको पिछले साल अप्रैल के महीने में ले जाना पड़ेगा, और जैसा कि आप जानते हैं सडन लॉकडाउन हुआ था 22 ऑफ मार्च को, और उसके बाद सब प्लांट्स हमारे और सब सप्लायर्स के यहाँ पे लॉकडाउन था। और हमारी जो मदर प्लांट है वो मुंबई कांदिवली में है, और आपको मालूम होगा कि कांदिवली में उस समय रेड हॉट जोन की तरह इसको कैटेगराइज किया गया था। सो ऑब्वियसली उस समय हमें बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि किसी का बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था और कारखाने सब बंद कर दिए गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय हमें एक बहुत अच्छी छूट दी कि एग्रीकल्चर को एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया था, उसकी वजह से जो हमारे डीलर्स थे वो सेल्स एंड सर्विस शुरू कर पाए। तो जैसे जैसे सेल्स एंड सर्विस शुरू हुई तो ऑलमोस्ट मई के मध्य के महीने में हमारे को कारखाने खोलने की इजाजत मिल गई थी, और तब हमने पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए कंप्लीट मास्किंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, फुल हाइजीन के साथ हमने अपने प्लांट्स को शुरू किया था। अब हमारे लिए अपना प्लांट शुरू करना प्रभजोत काफी आसान रहा था, लेकिन हमारे सप्लायर्स के लिए ये उतना अधिक कठिन था, क्योंकि कई हमारे सप्लायर्स ऐसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में थे जहाँ पे उन्हें वो परमिशन नहीं मिल रही। तो वो सब मुश्किलों को फासला करते हुए किसी तरह हमने मई और जून के महीने में प्रोडक्शन निकाली। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगस्त के महीने में महिंद्रा में हमने अपने आज तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया, और उसके बाद सितंबर में उस रिकॉर्ड को दोबारा से तोड़ा। इसका मतलब मंथ ऑन मंथ हम लोग हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन करते रहे अपनी हिस्ट्री की, और ये बताता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे वर्कमैन हैं और हमारी पूरी सप्लाई चेन है वो कितनी स्ट्रांग है, कि इतनी डिफिकल्टीज होने के बाद भी हम लोगों ने ना कि अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन की बल्कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा प्रोडक्शन करके अपना ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन बनाया। आपको फार्मर्स के बारे में क्या कहना है, और उन लोगों ने कैसे लेबर शॉर्टेज के साथ कोप अप किया, एंड महिंद्रा का क्या रोल था टू ओवरकम दिस इश्यू? मैं इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है अपने किसानों को देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से खेती को और पूरे रूरल डेवलपमेंट को पिछले साल हमने उसकी रेजिलियंस देखा कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो हमारा किसान भाई है वो पीछे नहीं हटता और आगे बढ़ चढ़कर काम करता है। आई थिंक उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आया 27% का अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो है, इसका काफी सारा जो श्रेय है वो हमारे किसान भाइयों को मिलता है। इसमें सरकार ने भी हमारी बहुत मदद की। आप अगर डेटा उठा के देखें तो सरकार ने सबसे पहले एग्रीकल्चर को एसेंशियल कमोडिटी में डाला, जिसकी वजह से कार्य प्रगति कर सका, काम हो सका। दूसरा, आप देखेंगे कि जिस तरीके से राज्य सरकारों ने और केंद्रीय सरकारों ने रूरल डेवलपमेंट में अधिक खर्चा किया, उसकी वजह से जो मनी फ्लो है वो रूरल एरियाज में काफी अच्छा रहा। तीसरा, जब लॉकडाउन चल रहा था उसके बावजूद भी पिछले साल जो खरीफ की और उसके बाद जो रबी की जो बिकवाली है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हुई। सरकार ने पूरी की पूरी खरीदारी करी और किसानों को टाइम पे समय पे पूरा पैसा मिला। इसके मद्देनजर क्या हुआ कि जो मनी फ्लो है वो किसानों के पास और रूरल एरियाज में काफी अच्छा रहा। किसानों ने पूरी मेहनत से काम किया, सरकार ने मदद की, और मानसून भी हमारे साथ, मानसून ने भी हमें पूरा साथ दिया। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल और उससे पिछले साल 1960 के बाद पहले दो साल ऐसे हुए हैं जब हमारे देश में बैक टू बैक, मतलब एक के बाद एक लगातार दो मानसून अबव एवरेज हो। तो मानसून अच्छा था, सरकारों ने मदद की, किसान ने मेहनत की, और सभी ट्रैक्टर कंपनीज ने, हमारे पूरे इंडस्ट्री में जितने भी ट्रैक्टर ओईएम्स हैं, हम सब के जो एम्प्लॉयज हैं सब ने मेहनत करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया। हमारे डीलरों ने अपने पर्सनल सेफ्टी को भी खतरा में लेके अपनी डीलरशिप्स खोली, किसानों के
ट्रैक्टर्स और उनके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको सर्विस दी ताकि वो सब अच्छे तरीके से काम कर सके। तो मेरे हिसाब से ये पूरा टीम एफर्ट रहा है जिसकी वजह से ही हम 27% तरक्की कर सके, नहीं तो हम 2-4-5% ग्रो कर सकते थे, लेकिन 27% ग्रोथ करने के लिए आई थिंक इट हैज बीन ए टोटल टीम एफर्ट। ग्रेट। वेल, क्या आप हमें राइस ट्रांसप्लांटर्स के बारे में और बताना चाहेंगे और आप उन्हें कहां और जगहों पे लॉन्च करने का सोच रहे हैं? तो राइस ट्रांसप्लांटर्स के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन, हमारी टीम है जो कि जाके एक्चुअली देख सकती हैं, आप यूट्यूब पे भी जाके आपके और आप जो आपके दर्शक हैं वो यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं कि ये एक्चुअल कंडीशन में किस तरीके से काम करता है। बट जस्ट आपको बताने के लिए, हम लोगों ने दो तरह के राइस ट्रांसप्लांटर लॉन्च किए हैं जिसको हम बोलते हैं, पहले तो MP4 जिसको जो 4 रोज का राइस ट्रांसप्लांटर है, मतलब अगर उसको एक बार आप पीछे से लेके चल देंगे जिसको हम वॉक बिहाइंड बोलते हैं, मतलब पीछे से धक्का मार के वो चलता है, उसके उसमें 4 रोज एक साथ पैडी की लग जाती है। लेकिन अभी हमने उसके बाद हायर टेक्नोलॉजी का राइड ऑन ट्रांसप्लांटर भी लॉन्च किया, मतलब उसको आप एक ट्रैक्टर की तरह चला सकते हैं, उसके ऊपर बैठ के उसको ले जा सकते हैं, पीछे से उसको चलाने की जरूरत नहीं है। तो वॉक बिहाइंड और राइड ऑन दोनों तरह के राइस ट्रांसप्लांटर हमारे पास हैं और इससे जो प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव होती है और किसान की जो जिंदगी है वो बहुत आसान हो जाती है, उसकी जो आमदन है उसको बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। Alright, moving on to my last question of this interview. Well, आपकी demand for the year of 2022 में आपका क्या outlook है tractors को लेकर? अभी आपने जान के खुशी होगी कि जो रबी की बुआई है वो पिछले साल से, जो कि पिछले साल रबी की बुआई बहुत ही अच्छी हुई थी, it was a record production for रबी crop, इस साल जो रबी की बुआई हो रही है ये पिछले साल से भी 3% अधिक है, 3% एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि रबी की जो फसल है वो देश में बहुत अच्छी होगी। उसके बाद जो है वो मानसून के ऊपर है कि किस तरह से बरसात आती है, जिसके कि हमें एडवांस्ड प्रोजेक्शन जो है वो इस महीने अप्रैल के महीने के अंत में मिलने लगेंगे। तो आपके क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अर्ली पार्ट ऑफ मई तक, मई के शुरू में हम लोग आपको बता पाएंगे कि किस तरह से मानसून की प्रोजेक्शन लग रही है और मानसून के हिसाब से फिर हमारी खरीफ किस तरह से फसल होगी वो होगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगले 5 से 6 महीने ट्रैक्टर इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगी, क्योंकि रबी की जो सोइंग है वो पिछले साल से भी अधिक हो रही है और किसानों को फिर से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि MSP की प्रोक्योरमेंट जारी रहेगी, MSP के ऊपर खरीदारी चालू रहेगी, किसानों को पैसा टाइम पे मिलेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट बोल रही है कि किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा पंजाब में, जिसकी वजह से कि किसानों को जल्दी पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा और उनके जो कैश फ्लो है वो काफी अच्छा रहेगा। सो अगले 5 से 6 महीने तक प्रभुत मैं कहूंगा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज लुकिंग एट अ वेरी गुड ग्रोथ अहेड। उसके आगे के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमें मॉनसून के ट्रेंड्स नहीं मिलते। Alright, well, thank you so much, Mr. Sikkar, for joining with us today. और महिंद्रा महिंद्रा के प्लान्स और इनके ऊपर हमारे को काफी अच्छे से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेकिंग आउट सच वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर्स। वेल, आई थिंक ये काफी नॉलेजेबल इंटरेक्शन थी, आई थिंक आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसको जरूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। वेल, थैंक यू मिस्टर हेमंत सिक्का फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।